कभी कभी जीवन में हमें उस सामान्य चीजों की कीमत का एहसास होता है जो हम अक्सर अनदेखा कर जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम धन, सम्मान और स्वास्थ्य की महत्ता को ताक पर रखते हैं, परंतु क्या हम कभी सोचते हैं कि एक साधारण सी रोटी का हमारे जीवन में कितना महत्व है? क्या आपने कभी एक रोटी के लिए तरसा है? यह एक सोचने वाला प्रश्न है। धरती पर हजारों लोग हैं जो रोज अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए एक रोटी का अर्थ उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वे रोज सुबह सुबह उठते हैं और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं। उनके लिए एक रोटी की कीमत का एहसास बहुत अधिक होता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में एक युवा शिष्य ने उनसे एक प्रश्न पूछा जो उसके मन में बहुत दिनों से चल रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, हमारे जीवन में रोटी का क्या महत्व है? बुद्ध अपनी शांत नजरों के साथ शिष्य के प्रश्न को दयालुता से सुने और बोले, हर इंसान की प्राथमिकता होती है कि उसका पेट भरा रहे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन उसे जोरों की भूख लगी तो वह गांव में घरों की ओर चल दिया। एक घर के दरवाजे पर पहुंचकर उस आदमी ने आवाज लगाई, कोई इस भूखे को रोटी दे दो, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखेंगे। उसकी करुणामयी आवाज सुनकर अंदर से एक आदमी निकला और बोला, देख भाई, मैं एक कवि हूँ, कविता गढ़ना और काव्य पाठ सुनाना ही मेरा काम है, अतः मैं तुम्हें भी एक कविता सुना देता हूँ। यह सुनकर वह बोला, हे काव्य शिरोमणि, कविता भी तभी अच्छी लगती है जब पेट में कुछ हो। कहा भी गया है कि भूखे पेट भजन नहीं हुए, अतः आप तो पहले मुझे रूखी सूखी ही सही, लेकिन दो रोटी दे दो। लेकिन कवि कहाँ सुनने वाला था, वह तो लगा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और करने लगा काव्य पाठ। वह आदमी अपने पेट को मलता हुआ आगे बढ़ गया। तत्पश्चात वह गरीब आदमी दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। यह एक वैद्य जी का घर था। उसकी फरियाद सुनकर वैद्य जी बोले, देखो भाई साहब, मैं तो वैद्य हूं, मेरा काम है दवाई देना। लो, एक काम करो, एक खुराक दवाई तुम भी पी लो। यह सुनकर वह आदमी बोला, वैद्य जी, दवाई भी तभी अच्छी लगती है जब शरीर में कोई बीमारी हो या अधिक खाने से पेट में अजीर्ण हुआ हो, लेकिन मुझे तो भूख का दर्द है। आपकी खुराक से मेरी भूख शांत नहीं होगी। हो सके तो आप तो मुझे रूखी सूखी दो रोटी दे दो। वैद्य जी बोले, अरे पगले, एक रोगी को देखने मात्र की फीस 500 रुपए ले लेता हूँ, हजारों की दवाई अलग से देता हूँ। तुझे भिखारी समझकर मैं मुफ्त में दवाई दे रहा हूँ, इसलिए तू मेरी और मेरी दवाई की कीमत नहीं जान रहा है। वह दीनहीन गरीब आदमी अपने पिचके हुए पेट को मलते हुए आगे बढ़ गया। संयोगवश तीसरा घर एक चित्रकार का था। उसने उसके दरवाजे पर जाकर फिर से वही याचना की। चित्रकार बाहर आकर बोला, देख भाई, मैं एक चित्रकार हूँ, अच्छे अच्छे ऐतिहासिक चित्र बनाना मेरा काम है। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और राजा तक मेरे चित्रों को प्रवेश शुल्क देकर देखने आते हैं, अतः तू एक काम कर, मेरे सारे चित्र मुफ्त में ही देख ले। यह सुनकर वह बोला, हे चित्रकारों के सरताज, चित्र देखना तभी अच्छा लगता है जब पेट में चूहे ना दौड़ रहे हो। अगर आप इन लाखों के चित्रों को दिखाने के बजाय मुझे रूखी सूखी दो रोटी दे दें तो मुझ पर महान उपकार हो जाए। यह सुनकर चित्रकार महाशय बोले, तू तो महामूर्ख है, और यह कहकर उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। असहाय सा वह गरीब आदमी पेट मलता हुआ इधर उधर देखने लगा। अभी तक वह तीन दरवाजों पर दस्तक दे चुका था। तीनों दरवाजों पर उसे सिवाय अपमान और हंसी के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसकी मदद करने की बात तो दूर रही, लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। दयालु मनुष्यों के स्थान पर पत्थर दिल मूर्तियों के दर्शन हुए थे। अतः वह बहुत निराश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह सारा गांव ही राक्षसों का है, अतः इनसे दया धर्म की आशा करना निरर्थक है। यह सोचकर वह किसी दूसरे गांव में जाने की सोचने लगा। संयोगवश जहां वह खड़ा था उसके ठीक सामने ही एक पहलवान का घर था। पहलवान घर की छत पर खड़ा खड़ा यह तमाशा देख रहा था। उसे अपने तीनों पड़ोसियों, कवि, वैद्य और चित्रकार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस समय वह चुप हो गया। उसने उस गरीब आदमी को बुलाया, भरपेट भोजन कराया और कुछ भोजन सामग्री अलग से देकर खुशी खुशी विदा किया। तत्पश्चात वह मन ही मन सोचने लगा कि इन तीनों को सबक सिखाना चाहिए ताकि ये दोबारा किसी गरीब का मजाक न उड़ा सकें, और मन ही मन एक योजना बना ली। अगले दिन पहलवान ने अपने तीनों पड़ोसियों को भोजन के लिए निमंत्रण चकित हो भेजा कि थाली में न खीर प्राप्त कर लड्डू, तीनों न सब्जी प्रसन्न, न रायता और यथा समय न पुलाव गए न अचार के घर, और न ही पहलवान ने उन्हें अपितु थाली में रखी थी उन्हीं की कविताओं की एक किताब। जैसे ही वे तीनों आसन पर विराजमान हुए ही उड़ गए उनके सामने परोसी हुई थालियां भी आ गईं कि थालियां रुमालों से ढकी हुई थी। सर्वप्रथम कभी महाशय ने थाली से रुमाल हटाया, अतः पेट में चूहे दौड़ा रहे थे।
इसी प्रकार वैद्य जी की थाली में परोसी गई थी दवाई की गोलियां, कुनेन का घोल और कुछ अन्य दवाइयां, और चित्रकार महानुभाव की थाली में परोसे गए थे। आलीशान चित्र ही चित्र, तीनों के पेट में चूहे धमा चौकड़ी कर रहे थे, पर खाएं तो क्या खाएं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खिसियानी हंसी हंसकर बोले, पहलवान साहब बहुत हंसी मजाक हो गया, अब कुछ खाना वाना लाइए। पहलवान तो जैसे इसी अवसर की तलाश में था। वह बोला, हे कवि हृदय, कल मैंने देखा था कि आप एक भूखे आदमी को रोटी के बदले कविता खिला रहे थे, अब आप भी कविता खाकर भूख क्यों नहीं मिटा लेते? क्या उस व्यक्ति की भूख अलग थी और आपकी भूख अलग है? फिर वह वैद्य जी की ओर घूमकर बोला, हे प्राण रक्षक, आप भी दवाई पीकर या खाकर अपनी भूख क्यों नहीं शांत कर लेते? फिर वह चित्रकार से बोला, आप भी बढ़िया से बढ़िया चित्र खाइए और अपनी उधर वेदना को शांत कीजिए, देर किस बात की। ये सब बातें सुनकर तीनों अतिथि स्वयं को अपमानित हुआ जानकर क्रोधित होते हुए बोले, तुम्हारे घर में जो भी कुछ थोड़ा बहुत बना हो वह खिलाना है तो खिला दो, वरना हम जा रहे हैं। और हाँ सुनो, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इतना सुनते ही पहलवान ने न आव देखा न ताव, लगा एक एक को पकड़कर पटकनी देने। तीनों धरती पर लुढ़कते थे और चिल्लाते थे, अब इसकी क्या जरूरत थी। पहलवान कहता जाता था, मैं पहलवान हूं, मेरा काम कुश्ती लड़ना और पटकनियां देना है, मैं दूसरों से कुश्ती लड़ने के हजारों रुपए लेता हूं, लेकिन तुम्हें अपना पड़ोसी समझकर मुफ्त में ही पटकनियां दे रहा हूं, इसलिए तुम मेरी पटकियों की कीमत नहीं जानते। लगता है तुम तीनों महामूर्ख हो, हजारों रुपए की पटकियां छोड़कर 10-20 रुपए का भोजन मांग रहे हो। पहलवान के शिष्य पीछे खड़े यह सब तमाशा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। जब अच्छी खासी पटकियां खा ली तो तीनों को कुछ होश आया और अपनी गलती का एहसास भी हो गया। तीनों कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने दूसरे के दुख को अपने दुख जैसा नहीं समझा, हमने अपने और पराए में भेद समझा, हमने उस गरीब आदमी से अच्छा बर्ताव नहीं किया। यह सुनकर पहलवान बोला, हम सबको दूसरे प्राणियों के साथ अपनापन बरतना चाहिए, जैसा कष्ट हमें होता है वैसा ही कष्ट उन्हें भी होता है। तत्पश्चात सचमुच की थालियां लगी, उन सब ने अपनी भूख को शांत किया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब वे जीवन में कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं करेंगे। तभी उन्होंने देखा कि एक चौथा व्यक्ति भी वहीं भोजन कर रहा था। यह वही आदमी था जो कल रोटी मांग रहा था। उसे देखकर कवि बोला, अब तक मैं सपनों की कविता लिखता था, आज से मैं प्राणी मात्र की हितैषी कहानियां लिखूंगा। वैद्य जी बोले, आज से मैं गरीबों का नेहा शुक्ल उपचार करूंगा। चित्रकार बोला, आज से मैं अपनी कमाई का 10वां भाग गरीबों को दान दिया करूंगा। कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य से बोले, आपने देखा ना भूख के कारण वो तीनों कैसे टडढप रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि जो आचरण हमें खुद के लिए बुरा लगता है वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। भूख का महत्व सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य में ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य में भी है। अगर हमारा शरीर सही तरीके से पोषणित नहीं होता तो हमारी मानसिक और आत्मिक क्षमताएं भी प्रभावित हो सकती हैं। भूख के बिना हम न केवल शारीरिक क्षमता में कमी महसूस करते हैं बल्कि मानसिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका एहसास हमें जीवन की मूल्यवानी चीजों का मूल्य समझाने में मदद करता है। जब हमें भूख लगती है तो हम सिर्फ खाने की इच्छा नहीं करते बल्कि हम खाने के साथ साथ उसकी महत्वपूर्णता को भी समझते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने आहार को लेकर सचेत रहते हैं और सही चयन करते हैं। भूख का महत्व जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें समझाता है कि हमारे जीवन में आत्मसंरक्षण का महत्व क्या है। भूख की अनुभूति से हम यह भी सीखते हैं कि जब हम अपनी इच्छा शक्ति को सकारात्मक रूप में उपयोग करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें आपके कमेंट्स को रीड करने में खुशी होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।